आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, अपन इसे यहाँ से चार्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक, ये समझ में आ गया ना, स्विच ड्रॉ एंड फॉलो। अब अपन यहाँ से सिलेक्ट डेटा पे क्लिक करते हैं, डायलॉग बॉक्स आपका ओपन हो जाएगा। इसमें आप यहाँ से डेटा सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे आपको यहाँ से सीपीयू का डेटा आपको शो नहीं करना, मॉनिटर का भी शो नहीं करना, सिर्फ आप तीन डेटा शो करना चाहते हैं, सिलेक्ट करना, ओके कर देना, उतना डेटा आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। यहीं से आप इसे एडिट करके देख लेना, यहाँ से ही एडिट भी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट रहता है आपको 2021 का शो करना है या 22 का, आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं और आप ओके कर दें, उतना ही डेटा आपको यहाँ पे शो होगा, जितना आप यहाँ से इसमें सिलेक्ट करेंगे। आपको पूरा शो करवाना है तो आप पूरा सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे, पूरा डेटा आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। फिर नेक्स्ट ऑप्शन रहता है चेंज चार्ट टाइप, इस पे आप क्लिक करेंगे, इस टाइप का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। सेम ऑप्शन वही है जो आपने इंसर्ट में यहाँ पढ़ा था, इधर अपन चार्ट बनाते थे, इसमें आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है, आप इसी चार्ट का टाइप चेंज कर लीजिए। जैसे अब आपको यहाँ से लेना है लाइन में, पहले कॉलम में लाइन सिलेक्ट करेंगे, ओके कर देंगे, यहाँ से ही लाइन में चेंज हो जाएगा। पहले आप क्या कर रहे, चार्ट बना रहे थे, अब इसी चार्ट को आप यहाँ से चेंज कर लेंगे। क्या हुआ, वो जब आप चार्ट बनाते हैं धीरे धीरे आपको पता चल जाए कौन सा चार्ट आपको किस टाइप से शो होता है। अब जैसे आप यहाँ से सिलेक्ट कर रहे हैं पाई वाला, आपने पाई वाला सिलेक्ट किया, इसे ओके कर दिया। अब देखिए आपका तो डेटा अलग अलग, अब आपको तो यहाँ पे क्या कर रहा है, कलर शो करवा रहा है, बता रहा है सीपीयू का कौन सा कलर है, मॉनिटर का, कीबोर्ड का, माउस का और यूपीएस का, डेटा अपन ने फिल किया है। देखिए इसमें आपको इस टाइप से देखने को मिल रहा है, पाई में वो बड़ा दिख रहा है, जो कम है वो कम दिख रहा है, लेकिन आप जब यहाँ से इसमें कॉलम में सिलेक्ट करते हैं, कॉलम में आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाता है। अब इसमें ही आप देखते हैं कॉलम में, अगर आप ये वाला सिलेक्ट कर रहे हैं और इसे ओके कर रहे हैं, देखिए एक ही लाइन में सीपीयू का आपको पूरा बता रहा है ये, उसमें जैसे बता रहा था अलग अलग बता रहा था कॉलम, अब इसमें ये अलग अलग टाइप रहते हैं, आप जिस भी टाइप का चार्ट यहाँ पे बनाना चाहते हैं, जो आपको इजीली समझ में आ जाए वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट रहता है मूव चार्ट, इस पे क्लिक करेंगे, डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। आप इस चार्ट को कहाँ पे मूव करना चाहते हैं, न्यू सीट पे करना है तो इस पे क्लिक करना, ओके कर देना, आपका चार्ट इस टाइप से न्यू सीट पे मूव हो जाएगा, इस टाइप से आपका चार्ट यहाँ पे शो हो जाएगा। अब अगर डिजाइन टाइप में कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, क्लियर है। फिर आपका नेक्स्ट रहता है फॉर्मेट, आप फॉर्मेट पे क्लिक करते हैं, सबसे फर्स्ट रहता है चार्ट एरिया, इससे ड्रॉप डाउन एरो पे आप क्लिक करेंगे। अभी इसमें क्या सिलेक्ट है, चार्ट एरिया, आप तो चार्ट का टाइटल सिलेक्ट करना है तो आप इस पे क्लिक कर देंगे, सिलेक्ट हो गया यहाँ से। आप इससे ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करेंगे, अपन को लेजेंड सिलेक्ट करना है तो आप इस पे क्लिक कर देंगे, जो भी आप यहाँ से सिलेक्ट करना चाहते हैं वो यहाँ से सिलेक्ट। क्या नाम देना है आपको, क्या नाम देना है आपको, किसको देना है ये तो पूछ रहे हैं, तो ये तो चार्ट टाइटल वहां से लिखा हुआ है। अब आप यहाँ पे किस चीज का डेटा बना रहे हैं, हमने लिख दिया है प्रोडक्ट डेटा, जो आप डेटा बना रहे हैं वो आप अपने हिसाब से यहाँ पे नाम दे सकते हैं। यहाँ से तो सिर्फ आप सिलेक्ट कर रहे हैं जो आपने नाम लिखे हुए हैं, यहाँ पे आपको हेडिंग तो वही शो करवाया। अब ये क्या है, आपका पूरा चार्ट का एरिया है, सिलेक्ट यहाँ पे आ रहा है। अब जैसे आपने यहाँ पे लिखा हुआ है लेजेंड, अब आपको पता है लेजेंड क्या होते हैं, जो आपने ये थे दो इस सीरीज 1 2 3 लिखा आ रहा है, पहले क्या लिखा रहा था 20 21 और 23, वही है अपनी सीरीज, इसमें लिखा रहा है लेजेंड। अब आप लेजेंड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये सिलेक्ट हो जाएगा, तीनों सिलेक्ट हो रहे हैं, लेकिन अगर आपको सिर्फ सीरीज 1 सिलेक्ट करना है तो आप इस पे क्लिक करना, यहाँ से ये वाली सीरीज 1 आपकी पूरी सिलेक्ट हो जाएगी। इस टाइप से आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे आपने सिलेक्ट किया सीरीज 1, अब आप इसका कलर यहाँ से चेंज करना चाहते हैं, सीरीज 1 का कलर यहाँ से चेंज हो जाएगा। आप यहाँ क्या करना है, छोटे बड़े तब होंगे जब आप इनका, ये तो आपकी सिर्फ सिलेक्ट हुई है, इन्हें आप छोटा बड़ा कैसे कर सकते हैं, आपने जो डेटा फिल किया उस अकॉर्डिंग ये बनेगा, छोटा बड़ा तो ना कर सकते हैं। ये तो सिर्फ आपको ये बता रहा है कि इसने यहाँ पे ये सिलेक्ट कर दिया। आप देखते हैं अपन ने इसको यहाँ से नॉर्मल कर दिया, हमने कर दिया चार्ट एरिया, आपका यहाँ पे क्या सिलेक्ट है, चार्ट। जब भी आप कोई चीज यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं आप देखते हैं उस पर आपको डॉट देखने को मिलते हैं, जिससे आपको ये पता चलता है कौन सी चीज यहाँ पे सिलेक्ट हुई है, उसे बोलते हैं ग्रिड। जो भी आप सिलेक्ट करते हैं उसे आप बोलते हैं ग्रिड। अब आप देखें जैसे आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, चार्ट टाइटल सिलेक्ट हो गया, देखिए यहाँ पे आ रहा है सिलेक्ट हो गया, डॉट बने हुए आ रहा है। अब अपन को सिलेक्ट करना है ये वाली लाइन, आप इस पे क्लिक कर रहे हैं, देखिए यहाँ से सब पे ये डॉट बने हुए, इसमें क्या बता रहा है सीरीज 2,
इस पे क्लिक करें, ये सीरीज 3 है, यहाँ पे ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है फॉर्मेट सिलेक्शन, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप ऐसे फॉर्मेट कर सकते हैं। जैसे आपने फर्स्ट वाले पे क्लिक करेंगे, फिल पे आप यहाँ से क्लिक कर देंगे, अभी क्या है नो फिल, सॉरी पहले नॉर्मल चार्ट का टाइटल सिलेक्ट कर लेते हैं। ये चार्ट का एरिया आप यहाँ से सिलेक्ट करना, कंट्रोल जेड कर देते हैं। अपन को फिल करना है यहाँ से चार्ट में, तो आप फॉर्मेट सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे, अभी क्या है नो फिल। आपको इसमें सॉलिड कलर फिल करना है तो आप इस पे क्लिक करना, ये यहाँ से चार्ट में सॉलिड कलर फिल हो जाएगा, आप यहाँ से इसमें सिलेक्ट कर लेना। लेकिन याद रखना क्या सिलेक्ट होना चाहिए, चार्ट का एरिया। पहले अपन जो सीरीज 3 सिलेक्ट था, आप देख रहे फॉर्मेटिंग किस में हो रही थी, इस वाले में, जो आप सिलेक्ट करेंगे उसमें फॉर्मेटिंग होगी। सॉलिड कलर फिल करना, सॉरी ग्रेडियंट कलर फिल करना है तो आप इस पे क्लिक कर देंगे। ग्रेडियंट कलर आप सबको पता है क्या होता है, जो दो तीन कलर से मिलके बनते हैं, यहाँ पे आपको पेंसिल देखने को मिल जाती है, आप इन पेंसिल्स में यहाँ से कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। जो भी कलर आप इसमें यहाँ से लेना चाहते हैं आप इसमें यहाँ से कलर सेलेक्ट कर लेना, और रिमूव करना है तो उस पेंसिल पे आप क्लिक करना, यहाँ से रिमूव कर देना। जितनी पेंसिल आप इसमें ऐड करना चाहते हो या आप पेंसिल इसमें रिमूव करना चाहते हैं, यहाँ से पेंसिल ऐड हो जाएगी, यहाँ से रिमूव हो जाएगी। आप इसका टाइप भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, आपको रेडियल रखना है या आप रेक्टेंगुलर रखना चाहते हैं, जिस भी टाइप से आप यहाँ पे से सिलेक्ट करना चाहते हैं। आप अगर ऊपर से तीन सिलेक्ट करते हैं, लाइनर, रेडियल और रेक्टेंगुलर, तो आपका डायरेक्शन ऑप्शन हाईलाइट होता है, लेकिन पाथ पे डायरेक्शन ऑप्शन हाईलाइट नहीं होगा। पाथ का सिर्फ एक ही डायरेक्शन रहता है जो यहाँ पे सिलेक्ट हो जाता है, लेकिन इन सब की डायरेक्शन आप चेंज कर सकते हैं, जो भी डायरेक्शन आप इसमें लेना चाहते हैं। फिर नेक्स्ट है इसमें आपका, यहाँ से आप इसमें सेलेक्ट कर लें ग्रेडियंट कलर फिल करना। अगर आप इसमें पिक्चर या टेक्सचर फिल करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आप देखें आपको ऑप्शन मिल रहा है फाइल और ऑनलाइन। अगर आप इसमें पिक्चर फिल करना चाहते हैं तो ऑफलाइन पिक्चर लेना चाहते हैं कि ऑनलाइन, ऑफलाइन लेना है तो आप फाइल पे क्लिक करेंगे, डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, आप लोकेशन सिलेक्ट करना, फिर आपके जिस भी फोल्डर में पिक्चर हो आप उस फोल्डर को ओपन कर लेंगे, आप पिक्चर सिलेक्ट करेंगे और इंसर्ट पे क्लिक कर देंगे, वो पिक्चर यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी। ऑनलाइन लेना है तो आप ऑनलाइन पिक्चर सिलेक्ट कर सकते हैं, आप ऑनलाइन पिक्चर भी क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप इसमें सर्च कर लेंगे। कि आप यहाँ पे इसमें सर्च कर लेना जो भी पिक्चर आप इसमें इंसर्ट करना चाहते हैं, ये फिर आप उस पिक्चर पे क्लिक करना और इंसर्ट पे आप क्लिक कर देना। अगर बड़े साइज की पिक्चर होगी तो वो चार्ट में भी इंसर्ट नहीं होगी। इस तरह से पिक्चर यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी, आप कर लेंगे ऑफलाइन और ऑनलाइन पिक्चर इंसर्ट। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है टेक्चर, अगर आप चार्ट में टेक्चर फिल करना चाहते हैं, टेक्चर आपके पहले से बने होते हैं, सिर्फ आपको सिलेक्ट करना होता है कौन सा टेक्चर आप इसमें फिल करना चाहते हैं। आप देख रहे हैं इसमें फॉर्मेटिंग के लिए आपको अलग अलग ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, लेकिन आप इसमें कोई भी सिर्फ एक ही फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं, या तो आप इसमें सॉलिड कलर फिल कर लीजिए या ग्रेडियंट कलर या पिक्चर या टेक्चर, सब चीजें एक साथ एक ही चार्ट में अप्लाई नहीं होंगी। अगर आप इसमें पैटर्न फिल करना चाहते हैं तो आप पैटर्न सेलेक्ट कर लेंगे, पैटर्न आपके पहले से बने होते हैं, सिर्फ पैटर्न का कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, फोरग्राउंड कलर आपको कौन सा रखना है और यहाँ से बैकग्राउंड कलर आप इसमें क्या सिलेक्ट करना चाहते हैं, देखिए चेंज हो गया यहाँ से। आप इसमें सिर्फ कलर यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, पैटर्न आपके पहले से इसमें बने होते हैं। सबसे लास्ट है ऑटोमेटिक, इस पे क्लिक कर देंगे, चार्ट अपना जैसे पहले था नॉर्मल वैसा ऑटोमेटिक हो जाएगा। कर लेंगे आप लोग फॉर्मेटिंग, इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, क्लियर है क्या? किसमें अंडरलाइन दिया था मतलब? किसमें व्हाइट कलर बनना है? हाँ, तो आप इसमें यहाँ से कलर फिल कर सकती हैं ना, जो भी कलर आपको फिल करना है, और यहाँ पे ग्रिड लाइन आ रहे हैं, हमने आपको बताया था यहाँ पे। अगर आपको इसमें लाइन वगैरह शो नहीं करना तो अपन यहाँ से इसमें चेंज कर लेते हैं। चलो आपने पढ़ा था इसमें, आपको इसमें ग्रिड लाइन यहाँ पे चाहिए कि नहीं चाहिए, किस टाइप से चाहिए? अगर आप यहाँ पे ग्रिड लाइन शो करना चाहते हैं तो पीछे आप किस टाइप से इसमें शो करना चाहते हैं, आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं।
यही वाली लाइन पूछ।